हेलो फ्रेंड, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज के वीडियो में हम लगाएंगे गुलाब के पौधों को। ये देखिए, ये हमारे गुलाब के पौधे हैं। ये चार हैं, हम चार एक साथ लेके आए थे। ये पूरी तरीके से खिले थे नहीं, तो इनका कलर पता नहीं चल पा रहा था। उसने कहा था कि अलग अलग कलर के हैं, लेकिन ये सारे जब खिले हैं तो सब एक ही जैसे हो गए। कोई बात नहीं, हम इनको ही लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी गुलदाउदी, ये सब हमारा गार्डन। धूप ना आने की वजह से, क्योंकि इस टाइम धूप तो आ ही नहीं रही है, आए दिन बारिश होती रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए हम लगाते हैं। तो ये गुलाब का पौधा है। नर्सरी वाले भैया ने कहा था कि एक पौधे पे दो तीन कलर आते हैं, मोस्टली दो तो आते हैं। अब पता नहीं इस पे वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही कलर दिख रहा है। अब आगे आते हैं तो पता चलेगा जैसे जैसे फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए, हमारा 12 इंच का पॉट है। जो गुलाब होता है तो उसके लिए आप बड़े पॉट का सिलेक्शन कीजिए, कम से कम 18 इंच। मेरा तो ये 12 इंच का है, क्योंकि मैं इसको बाद में दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये 12 इंच का पॉट है, प्लास्टिक पॉट है। ये देखिए, इसको मैं तब तक के लिए इसी में लगा रही हूँ। 12 इंच का भी पॉट चल जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए हैं और पौधे की ज़्यादा ग्रोथ है करानी हो, तो आपको 12 के बाद 18, 16, मतलब 12 से बड़े होने चाहिए पॉट। 12 तक से शुरुआत हो करके जैसा जैसा आपका पौधा बढ़ते जाए, आप पॉट का बदलाव करते रहें। तो ये देखिए, बहुत कसके पकड़ रखा था ये। ये देखिए, ये इसका रूट बॉल है। मेन बात है मिट्टी की। आप जितने अच्छा पौधे को खाना देंगे, उतना अच्छा ये ग्रोथ करेगा। तो मैंने मिट्टी में क्या मिक्स किया है, हमारी 30% मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, 20% इसमें सेंट है, बालू, और हमारा 50% का जो है खाद का मैन्योर है। उसमें खाद में हमारा वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, सरसों की खली है, फंजीसाइड है और DAP के कुछ दाने। जब हम पौधे लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी DAP मिक्स कर देते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। तो ये देखिए, हमने इस पॉट को फिल कर लिया है। आप जब भी पौधा लगाएं गुलाब का, जो ग्राफ्टेड होते हैं गुलाब, उनके ग्राफ्टेड पोर्शन को मिट्टी में टच ना होने दें। अगर वो मिट्टी में टच होंगे तो वो फंगस वहीं से अटैक होगी। जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है, वहीं पे पानी मिट्टी मिल करके फंगस बनाएंगी और वहाँ से वो हमारा ग्राफ्टेड पोर्शन सूख जाएगा। लोग लाते हैं पौधा और लगाते हैं, उसके बाद शिकायत करते हैं कि मेरा पौधा सूख गया है, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया है। तो यही कारण होता है, हम लोग कुछ गलतियाँ करते हैं जाने अनजाने में, उससे हमारे पौधे को नुकसान होता है। तो जो ऊपर का यह कॉर्डेक्स होता है, जो मोटा सा हिस्सा होता है, ग्राफ्टेड होता है, उसको आप मिट्टी से 1 इंच ऊपर रखिए। वो मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए, अगर टच होगा तो दिक्कत होगी। तो हम उसको मिट्टी में, जब भी पॉट में पौधे को लगाएंगे, तो हम उसके ग्राफ्टेड पोर्शन को ऊपर रखेंगे। और ग्राफ्टेड जो पौधे होते हैं फूल के, गुलाब के, कोई भी ग्राफ्टेड अगर होता है, तो ग्राफ्टेड के नीचे से जो शाखाएं निकलती हैं उसे शक्कर बोलते हैं। शक्कर को नहीं बढ़ने देना है। अगर शक्कर बढ़ेगी तो भी हमारे पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी, जो शक्कर निकलेगी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और जो हमारा मेन पौधा होगा ग्राफ्टेड के ऊपर का, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो भी ग्राफ्टेड के नीचे से
स्टेम निकले, टहनी बने, निकले, उसको तुरंत हटा दीजिए। जैसे आपकी नज़र पड़े उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़ती है। जो भी हम खाना देंगे पौधे में, मिट्टी में जो भी खाना देंगे, वो सब शक्कर में अपने आप में स्वक कर लेगी और हमारे पौधे को ख़राब कर देगी। वो जंगली होता है, उसमें कोई प्रकार का फूल नहीं आता है। फूल अगर आ भी गया तो बहुत छोटे साइज़ का, जो जंगली कलर होगा वही कलर का फूल आएगा और हमारे पौधे को ख़राब करेगा। तो तीसरी चीज़ इसमें ये है, जो भी आपकी फ्लावर खिल जाएं, पत्तियां सूख जाएं, फ्लावर खिल जाएं, जो टहनियों पे फूल नहीं आ रहे हों, आप उसकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहें। ये भी हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में बाधा है। अगर ये हमारे पौधे पर रहेंगे तो ये जो एनर्जी मिट्टी से कलेक्ट करेंगे वो उसी में या तो बीज बनाएंगे और या वो पत्तियों को बचाने में अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो इससे भी हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। गुलाब को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही हो, सर्दियों की इतनी अच्छी धूप पड़े कि पूरा दिन की धूप इस पे रहे। आप ऐसी जगह रखिए क्योंकि ये बहुत तेज़ धूप पसंद करता है। जितनी अच्छी धूप और खाना इसको मिलेगा उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो मिट्टी का हम फिर से बता दे रहे हैं, जितनी अच्छी मिट्टी बनाएंगे, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, जितनी अच्छी मिट्टी बनाएंगे उतने अच्छा पौधा हमारी ग्रोथ करेगा। मिट्टी बहुत हल्की बनाएं, क्योंकि जो हम गमलों में पौधे लगाते हैं ना, उसमें मिट्टी की गुणवत्ता ही मायने रखती है। जितनी अच्छी उर्वरक मिट्टी होगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो जब भी आप मिट्टी बनाएं किसी भी पौधे की, तो मिट्टी में अच्छी खाद और अच्छी पोरस मिट्टी बनाएं। इसको पानी ज़्यादा लगता है, जब भी पौधे में पानी सूख रहा हो, आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है, आप अच्छे से इसको पानी दीजिए। जो टहनियाँ सूख गई हों, फ्लावर झड़ गया, उसको काटते रहिए, नई नई ग्रोथ आती रहेगी और फूल खिलते रहेंगे। हर 15 दिन बाद इसको DAP के कुछ दाने, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलाएं तो उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड ज़रूर लगाएं। जो आपका ग्राफ्टेड पोर्शन है पौधे का, उस पे तो फंजीसाइड ज़रूर लगाएं, और चाहे तो आप मिट्टी पे हल्का सा पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगी। गुलाब में जो पत्तियाँ होती हैं इन पर फंगस बहुत जल्दी अटैक करती है। जो पत्तियाँ अगर मिट्टी में जर से टच हुई तो उससे हमारे पौधे में फंगस लग जाएगी। और हमने पेड़ों को लगा लिया है, ये पूरी तरीके से लग गए हैं और उसमें पानी दे रहे हैं। अच्छे से पानी देंगे क्योंकि मिट्टी तो हमारी पहले से नम है, जितनी ज़रूरत है उतना ही देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय।